समय की है नहीं पाबंदी हो, अरे समय की है नहीं पाबंदी, साईं बाबा की कर लो आरती। आए जितने मुसीबतें वो डर कर तुझसे भागेगी। साईं राम साईं राम साईं राम साईं राम साईं राम, जब तू जप लेगा पूरी होगी तेरी कामना। समय की है नहीं पाबंदी, साईं बाबा की कर लो आरती। आए जितने मुसीबतें वो डर कर तुझसे भागेगी। साईं राम साईं राम साईं राम साईं राम साईं राम, जब तू जप लेगा पूरी होगी तेरी कामना। साई नाम से हो जाओ पावन, होगा नाश तुम्हारे मन का रावण। साई नाम से हो जाओ पावन, होगा नाश तुम्हारे मन का रावण। गुरु के सत्संग में सबको आना पड़ेगा, अकेले आए अकेले जाना पड़ेगा। आए जितने मुसीबतें वो डर कर तुझसे भागेगी। समय की है नहीं पाबंदी हो, अरे समय की है साईं बाबा की कर लो आरती। आए जितने मुसीबतें वो डर कर तुझसे भागेगी। साईं राम साईं राम साईं राम साईं राम साईं राम, जब तू जप लेगा पूरी होगी तेरी कामना। टंका साई के नाम का बजे, सारा संसार जाग उठे। टंका साई के नाम का बजे, सारा संसार जाग उठे। सबको आना पड़ेगा, अकेले आए अकेले जाना पड़ेगा। आए जितने मुसीबतें वो डर कर तुझसे भागेगी। समय की है नहीं पाबंदी हो,
समय की है नहीं पाबंदी, साईं बाबा की कर लो आरती। आए जितने मुसीबतें वो डर कर तुझसे भागेगी, साईं राम साईं राम साईं राम साईं राम साईं राम, जब तू जप लेगा पूरी होगी तेरी कामना। अरे ये कैसे हो सकता है, इतना खतरनाक जहर देने के बावजूद वो जिंदा कैसे बच गई? जरूर ये साई की कृपा है। बंद करिए बकवास। मैं भी हार मानने वालों में से नहीं हूँ। देखती हूँ कौन से साईं बाबा के उसे बचाते हैं। अब तू जा। सुनिए, मैं जानती हूं कि मेरी वजह से आपको बहुत बुरा लगा होगा। आपकी श्रद्धा और भक्ति पर मैंने शक किया, लेकिन मैं नादान थी, ना समझ थी। लेकिन अब मैं समझ चुकी हूं कि भक्ति में शक्ति है, और इस शक्ति के आधार पे हमें संसार के सुख दुख झेलने की प्रेरणा मिलती है। मैं आपसे हाथ जोड़ के माफी मांगती हूँ। मैं जानती हूँ कि मुझसे बहुत सारी गलतियां हुई हैं, लेकिन आप मुझे माफ कर दीजिए। आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूँगी। अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें माफ कर दूँ, तो अभी जो तुमने कहा है यह संदेशा तुम्हें गाँव के मेले में जाके सब लोगों को सुनाना होगा। उन सब में से अगर 5 लोगों ने भी अगर ये तुम्हारा संदेशा अगर समझ लिया ना, तो मैं समझूंगा कि मेरा जीवन धन्य हो गया। हाँ जरूर ऐसा ही होगा। सुन लो तुम माँ मेरे प्यारो, एक बार उसे याद करो। सुन लो तुम दोस्त को जरा दिवाली।
मैंने कहा था ना तुझे, भाई साहब के मुंह मत लगना, अभी तो तुझे छोड़ेगी नहीं, ऐसा बदला लेगी, ऐसा बदला लेगी तो कहीं का भी नहीं रहेगा। इस तरह तो पहले भी कोशिश की है तुम लोगों ने मुझसे बदला लेने के लिए, मेरी बेटी को जहर दे के मारने की कोशिश की है तुम्हारी भाई साहब ने, लेकिन फिर भी तुम्हें मेरे वो साईं बाबा ने माफ कर दिया। लेकिन बस अब और नहीं। कौन बचाएगा तुझे, वो बुढ़ा भगवान? पाप का घड़ा भर चुका है, अभी तो ये अंतिम चरण है, वो कुछ नहीं कर पाएगा, सर्वनाश हो जाएगा तेरे खानदान का। अरे फानूस बन के जिसकी हिफाजत मेरे साईं करे, वो समा क्या बुझे जिसे रोशन वो खुद करे। बड़ा भक्त बनता है ना तू, अब देख। जाओ गांव में जाके ऐलान कर दो, आज के बाद पूजा भजन कीर्तन के लिए यहाँ कोई जगह नहीं है, कोई भी कुसंस्कारियों के लिए यहाँ कोई जगह नहीं है, इस गांव में वही होगा जो मैं चाहूंगी। जाओ। Thank you.
बड़ी भक्त है ना, जाओ गांव में जाके बोल दो कोई उसे फूल ना दे, बिना फूल के पूजा कैसे करती है मुझे ये देखना है। सुनो गांव वालों, भाई साहब का हुकुम है, कोई भी पुजारी को फूल नहीं देगा, जो भी फूल देगा उसका हश्र बुरा होगा, याद रखना। रुक जाइए, आपको ये मंदिर में जाना मना है, फूल वगैरह कुछ भी नहीं मिलेगा। क्यों? भाई साहब ने मना किया है। अच्छा, भाई साहब ने मना किया है। प्रसाद चढ़ा के नहीं करूंगी पूजा आज दिल से तेरी, तेरे बिना किसी पे भी भरोसा नहीं है मेरी, भोले बाबा रक्षा करना मेरी। फूलों के हारों से नहीं प्रसाद चढ़ा के नहीं करूंगी पूजा आज दिल से तेरी, तेरे बिना किसी पे भी भरोसा नहीं है मेरी, भोले बाबा रक्षा करना मेरी। ना होगा तू नाराज मुझे विश्वास, बाबा ना होगा तू नाराज है मुझे विश्वास।
मसीह हूँ सबके मालिक तू है, तेरे बिना सब कुछ अधूरा है। पूजा है तेरी बाबा श्रद्धा जो मेरी, पूजा है तेरी बाबा श्रद्धा जो मेरी। फूलों के हारों से नहीं प्रसाद चढ़ा के नहीं करूँगी पूजा आज दिल से तेरी। तेरे बिना किसी पे भी भरोसा नहीं है मेरी, भोले बाबा रक्षा करना मेरी। फूलों के हारों से नहीं प्रसाद चढ़ा के नहीं करूँगी पूजा आज दिल से तेरी। तेरे बिना किसी पे भी भरोसा नहीं है मेरी, भोले बाबा रक्षा करना मेरी। ना होगा तू नाराज है मुझे विश्वास। उसकी ये मजाल मेरे मना करने के बावजूद। बहादुर जाओ जाके उसे उठा के लेके आओ। जी भाई साहब। इस वीराने जंगल में खूबसूरत लड़की, वो भी सुशील, मैं उससे क्या कराऊंगा, काम तो मेरा है। तुम्हारा नाम क्या है? दिव्य शक्ति। कितना प्यारा नाम है, और इसी के लिए दुनिया तड़पती है। इस जंगल में तुम्हें कुछ नहीं मालूम, अब तुम्हें सब मालूम हो जाएगा। इस जंगल में रह के क्या करोगी? तुम बड़ी खूबसूरत हो, बहुत खूबसूरत।
शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः। शर्म नहीं आती? चुल्लू भर पानी में डूब के मरे क्यों नहीं? क्या मुंह लेके वापस आए? तुम्हारा ये बदलता रूप देखकर मैं खुश हो जाऊंगी, इनाम दूंगी। मेरी मर्यादा का अच्छा ख्याल किया तुमने, अपनी अच्छी शान बढ़ाई तुमने। एक मामूली औरत के सामने हार गया। वो मामूली भाई नहीं थी भाई साहब, शिव जी की अवतार थी। इससे पहले कि तुम्हारी सजा मौत हो, निकल जाओ यहां से। अभी जो करना है मैं खुद करूंगी। मैडम, आप कौन? कानून की इस सिपाही को कामिनी कुट्टी कहते हैं, लेकिन मुझे लोग कुत्ती कहते हैं। कुत्ती, क्या चाहिए? इस गांव का साईं बाबा का मंदिर आज भी रजिस्टर्ड है और वो आज ही प्रकाश पुजारी के नाम से रिन्यूड हुआ है, आपको भी मालूम है। लेकिन आप उस जगह को हड़पना चाहती हैं और आपने प्रकाश पुजारी को धमकी दी है। सिर्फ इतना ही नहीं, आपने एक छोटी मासूम बच्ची को जहर देकर मारने की कोशिश की है। क्या सबूत है तुम्हारे पास? सबूत? सबूत तो मिल जाएगा मैडम, लेकिन जब मैं सबूत लेके आऊंगी ना, तब आप अपने आप को हवालात में पाएंगे। तुम जानती हो तुम किससे बात कर रही हो? जानती हूँ मैडम। इस गांव के जो लोग हैं, जिनके हुक्म के बिना पानी तक नहीं पीते, यहाँ झाड़ के पत्ते भी नहीं हिलते, उस भाई साहब से बात कर रही हूँ। लेकिन मैडम, जब ये कुत्ती जहर उगलती है ना, तब सामने वाले को छठे का दूध याद आ जाता है, इसलिए आज वार्निंग देने आई हूँ मैडम। जिस दिन मुझे सबूत मिल गया ना, आपको मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ूंगी मैं। तुम्हें जितना पगार मिलता है ना, मैं उसे डबल दूंगी। मेरे साथ काम करूंगी। घर में कुत्ते पाले जाते हैं मैडम, शेर नहीं।